वेलकम स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन धुंधला है, तो आप जरा फिर से बना के सॉल्व कर दीजिए। तो मैं इसे फिर से बना के सॉल्व कर रहा हूँ। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो नीचे है ना, आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 को मित्तल लिमिटेड की बैलेंस शीट इस प्रकार है, ठीक है ना। ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें नया क्या है वो देखते हैं। और नीचे कह रहा है कि निम्न समायोजनाओं के विचारोपरांत कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कीजिए। और नंबर ए लिखा हुआ है, कंपनी ने डिपॉजिट पर 45,000 रुपये का ब्याज दिया है। वर्ष के दौरान कंपनी दो लाख ह्रास लगाया गया है, मशीन पर 2 लाख रुपया ह्रास लगाया गया, ठीक है ना। बस दो इन्फॉर्मेशन है। पहला है कंपनी ने डिपॉजिट पर ब्याज दिया है 45,000। ब्याज कहाँ लिखेंगे हम लोग, ये ब्याज जो है ना फाइनेंसिंग में जाता है, ठीक है ना। और ये हरास जो है, हरास के लिए आपको अलग से खाता खोलना होगा, मशीन खाता। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं मशीन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ये एसेट्स है। एसेट्स का आप जब भी खाता खोलेंगे, तो यदि ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी का प्रयोग करते हैं। टू बैलेंस बीडी मशीन देख लेते हैं कितना दिया हुआ है इसका ओपनिंग बैलेंस। मशीन क्या लिखा हुआ है, मशीनरी है 9 लाख से 16 लाख, मतलब शुरू का है 9 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी 16 लाख दिया हुआ है। और लिखा है डेप्रिसिएशन, तो यहां लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख, और कुछ नहीं है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। हम बैलेंस करने से यदि सीआर में घट रहा है तो सेल्स कहलाता है, डीआर में घट रहा है तो परचेज कहलाता है। सीआर है आपका 16 दू 18 लाख, सीआर में है 18 लाख, डीआर में 9 लाख, डीआर में घट रहा है, जो जो घट रहा है 9 लाख ये कहलाएगा परचेज। इसका मतलब है टू परचेज, वर्ष के दौरान कंपनी ने 9 लाख का मशीन परचेज कर लिया। इसको बोलेंगे दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आइए ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। इससे क्या निकल गया, इससे निकल गया परचेज ऑफ मशीनरी 9 लाख। आगे आपको तैयार करना है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं क्या सब दिया हुआ है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट लेंगे हम, नेट प्रॉफिट तो क्या सब दिया हुआ है एक बार देख लीजिए आप लोग। रिजर्व सरप्लस लिखा हुआ है, प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस है 4 लाख से 5 लाख, डिफरेंस कितने का है 1 लाख का, 1 लाख क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इसके अलावा और क्या सब है वो हम देख लेते हैं। नॉन कैश आइटम भी है, डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करते हैं, पता होगा आप लोगों को डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 45,000, ठीक है। इसके अलावा गुडविल घट रहा है 60,000 का, तो ऐड करेंगे हम गुडविल। इसको बोलते हैं रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल है कितना 2 लाख से 1 लाख 40,000, घट रहा है ना 60,000 ऐड कर देंगे हम। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ऐड कर देंगे हम, कितना है 80,000, और कुछ नहीं है। इतना जोड़ने के बाद जो आता है ना वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये हो गया 2 लाख, एक 3 लाख, 80 5 85, 3 लाख 85,000, ये हो गया 3 1 4 लाख 85,000। अब जो है ना क्या सब है वो हम देख लेते हैं। चालू संपत्ति में क्या सब है, यहाँ सीएल लिखा हुआ सिंगल आइटम है, और ये सीएल तो आ ही गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है अब आएगा ही नहीं।
सीएमई क्या सब है, इन्वेंट्री है 2 लाख से 2.5 लाख, बढ़ गया ना तो लेस कर देंगे हम। चालू संपत्ति इन्वेंट्री चालू संपत्ति रूल कहता है वेन सीए इंक्रीज देन कैश डिक्रीज, लेस कर देंगे हम डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना, ये 50,000। आगे ट्रेड रिसीवेबल है 3 लाख से 5 लाख, बढ़ गया ना लेस कर दो, ये इंक्रीज सॉरी डिक्रीज लिख दिया ना, इंक्रीज होगा यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, 2 लाख। कैश तो यहाँ आता नहीं है। इसके अलावा जो है ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग है तो लेस कर देंगे हम, पहले 2,50 माइनस कर दो तो हो गया 2,35,000। इसमें लेस कर देंगे हम टैक्स पेड, जो प्रोविजन ओपनिंग ईयर का है ना उसको हम लेस कर देंगे। कितना है ओपनिंग, 50,000 है, सॉरी ओपनिंग है 60,000। लेस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा 6,713, ये हो गया 1,75,000। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। आगे आपको निकालना है इन्वेस्टिंग, फिर आपको लास्ट में क्या तैयार करना है, फाइनेंसिंग। तो आइए यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग बनाते हैं, इन्वेस्टिंग में स्थायी संपत्ति का काम करते हैं। अभी हम लोग मशीन खाता बनाया था हमने, वहाँ से मशीन परचेज निकला था, परचेज ऑफ मशीनरी। कितना, 9 लाख, माइनस में माइनस के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, और क्या है और कुछ भी नहीं है, ये 9 लाख अकेला माइनस में आ गया 9 लाख। ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 9 लाख हो गया। आगे फाइनेंसिंग होता है, फाइनेंस में शेयर लेते हैं, डिबेंचर लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। शेयर है 10 लाख से 14 लाख, बढ़ गया ना, इसका मतलब है कंपनी ने नए शेयर्स को इशू किया होगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 4 लाख प्लस में। फिर आगे है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 2 लाख से 6 लाख, बढ़ गया ना, इसका मतलब है कंपनी ने नया लोन लिया होगा 4 लाख का। लॉन्ग टर्म लोन कितने का, 4 लाख प्लस हजार का। और इंटरेस्ट पेड नीचे लिखा हुआ है कि ब्याज का भुगतान किया गया है कितना, 45,000, और तो कुछ नहीं है। 4 4 8 लाख प्लस में, 45 माइनस में घटेगा तो ये हो जाएगा 7,55,000, 7,55,000 प्लस में आ गया। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लास्ट में जो है ना ऑपरेटिंग को ए मानते हैं, इन्वेस्टिंग को बी मानते हैं, फाइनेंसिंग को सी मानते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि जो ऑपरेटिंग है वो है 1,75,000, इन्वेस्टिंग तो माइनस में है और फाइनेंसिंग जो है 7,55,000 है। तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग प्लस में है, सबको जोड़ देंगे हम, 5 5 10 7 5 12 13, हाँ से लेके 2 7 9, ये कुल होता है 9,30,000 प्लस में, ठीक है ना। प्लस में 9,30,000, इन्वेस्टिंग है 9 लाख माइनस में, तो घटेगा ये 30,000 जो है प्लस में आ जाएगा। ये प्लस में आने पर ये कहलाता है ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में आ गया 30,000, यहाँ लिखेंगे हम 30,000। ये कहलाएगा नेट कैश इंक्रीज, नेट कैश इंक्रीज। इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश, मतलब जो शुरू का कैश है ओपनिंग कैश, जो जोड़ने से जो आएगा ना वो ऑटोमेटिक कहलाता है क्लोजिंग कैश।
ओपनिंग दिया हुआ है 60,000, जोड़ने से ये आता है 90,000, ये कहलाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। इडी।